हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सिंपल हेयर केयर पैक। विंटर का सीज़न में काफ़ी सारे लोगों को डैंड्रफ का प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल भी ज़्यादा होता है क्योंकि विंटर का सीज़न ऐसा है। तो आज मैं आपको सिंपल बेस्ट DIY हेयर पैक बताने वाली हूँ। इससे आपका हेयर को केयर कर सकते हो, इससे आपके बाल स्ट्रॉन्ग होंगे, लॉन्ग हो जाएंगे और डैंड्रफ भी बिल्कुल नहीं रहेगा। आपके बाल स्कैल्प जो है क्लीन रहते हैं और हाइजीनिक रहता है, साथ ही बाल झड़ना भी कम हो जाता है। सो जरूर इस होम रेमेडी को ट्राई कीजिए। सो चलिए वीडियो को देखते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पर बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं। तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए। इसमें लेना है आधा कप दही। आधा कप दही में आप लेना चाहिए कलौंजी पाउडर। कलौंजी पाउडर एक चम्मच लीजिए। लेके अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना चाहिए क्योंकि कलौंजी पाउडर को फाइन पाउडर तरह बनाना है, तो इसलिए मैं इसको फाइन पाउडर तरह लेके बना ले चुकी हूँ। तो आप आधा कप दही में कलौंजी पाउडर लीजिए, लेके अच्छी तरह मिक्स कीजिए। ये कलौंजी पाउडर अपना स्किन के लिए भी अच्छा है और बालों के लिए भी अच्छा है। इससे बाल भी क्लीन होंगे, हेल्दी बन जाएंगे, बालों को अंदर डैंड्रफ को रिड्यूस करता है, बालों को क्लीन बना देता है इस पाउडर। तो इस हेयर पैक ऑल हेयर टाइप के लिए सूटेबल है। सो जरूर इसको ट्राई करना। इसके अंदर इसमें हमें ऐड करना है 2 से 3 ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल ऐड करना चाहिए। ये ऑलिव ऑयल अपना बालों का ग्रोथ को बढ़ा देते हैं, बालों को ड्राई डैमेज हेयर को रिपेयर करता है, बालों को सिल्की स्मूथी बनाता है। आप इस हेयर पैक को हफ्ते में 2 से 3 बार लगोगे ना, इससे बाल सिल्की स्मूथी हो जाएंगे, रीग्रोथ भी होगा, बाल बहुत हेल्दी होने लगेंगे। ये ऑल हेयर टाइप के लिए सूटेबल है। सो जरूर इससे ट्राई कीजिए। इसे अप्लाई करने के बाद आधा घंटे के बाद बालों को पानी से पहले वॉश कीजिए। इसके बाद एक अच्छे से शैम्पू से बालों को अच्छी तरह वॉश करना चाहिए क्योंकि दही थोड़ा स्मेल आता है, तो इसलिए। लेकिन ये बालों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि दही में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, एंटी फंगल इन्फ्लेमेटरीज रहता है, तो ये अपना बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो इससे बाल स्ट्रॉन्ग भी होंगे, रीग्रोथ भी होगा, दही का स्मेल नहीं आना है बालों के अंदर से। तो आप एक अच्छा फ्रैग्रेंस वाला शैम्पू यूज़ कीजिए। शैम्पू से 2 बार बालों को अच्छी तरह वॉश कीजिए, दही का स्मेल चले जाएगा, बाल भी क्लीन हो जाएंगे, पैक भी अच्छी तरह रिमूव होगा, बाल भी सिल्की स्मूथी हो जाएंगे। सो जरूर इसे ट्राई कीजिए, इसे विजिबल डिफरेंट दिखेगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज की मेरी वीडियो। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। इसके बारे में कुछ कमेंट करना है, डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप लोगों को कमेंट मेंशन कीजिए, उसके आंसर मैं जरूर देती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।